गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हमने नया चैप्टर शुरू किया था प्रोबेबिलिटी, और उसमें हमने पढ़ लिया था एक तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, और दूसरा हमने पढ़ा था एलिमेंट्री इवेंट, और तीसरा पढ़ा था हमने सैंपल स्पेस, और कुछ क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे कि सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट की कितने टाइप्स के इवेंट्स हमारे होते हैं। नंबर वन है हमारा, सबसे पहला है शोर इवेंट। सबसे पहला इवेंट जो है वो हमारा क्या है, शोर इवेंट। जो शोर इवेंट कौन सा होता है कि जब भी आप कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करें तो जो आपका जो भी इवेंट हो वो ऐसा इवेंट हो जो शोर है कि आप जब भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये इवेंट तो होगा ही होगा। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एन इवेंट एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन इवेंट एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट इफ इट ऑलवेज अकर whenever the experiment is performed कि जब जब आप वही सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट बार बार करेंगे तो ये वो इवेंट होगा, ऑलवेज अक्कर, वो इवेंट हमेशा होगा। तो इस इवेंट को हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ए मैंने कह दिया एक इवेंट, getting an even number or an odd number in throwing of a coin। जब एक क्वाइन को फेंकते हो तो आपको पता है सैंपल स्पेस क्या होता है, वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब आपने क्या कहा, गेटिंग एन ईवन नंबर और एन ओड नंबर, या तो उसमें ओड नंबर आए या ईवन नंबर आए। तो जब भी आप सिक्कों को फेंकोगे तो उसमें कौन से आएंगे, तो ये कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, इवेंट हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें 2, 4, 6 क्या है ईवन नंबर, 1, 3, 5 क्या है हमारे ओड नंबर। इन शॉर्ट जो सैंपल स्पेस होता है हमारा, वही हमारा क्या होता है, श्योर इवेंट। ये नोट कर लीजिए, सैंपल स्पेस इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन श्योर इवेंट। जो सैंपल स्पेस होता है आपका किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, जो सैंपल स्पेस है वही आपका क्या होता है, श्योर इवेंट, क्योंकि वो तो होना ही होना है सैंपल स्पेस। सेकंड है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। नाम से ही दिख रहा है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आप करें और वो इवेंट उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल ना हो, कभी भी वो एलिमेंट वो उसमें पॉसिबल ना हो। इट नेवर अकर्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट को आप कितनी ही बार रिपीट करें, वो इवेंट उसमें कभी भी ना आए, तो उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, getting a number greater than 6 in throwing of a dice। एक डाइस को आप कितनी बार फेंक ले, नंबर क्या आ सकते हैं उसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से बड़ा कोई भी नंबर उसमें कभी भी नहीं आ सकता। तो ये जो इवेंट है, मान लो इस इवेंट को मैंने नाम दे दिया बी, तो बी इवेंट यहाँ पर क्या है हमारा, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड है हमारा एलिमेंट्री इवेंट, तो हमने पढ़ा था। थर्ड है हमारा कंपाउंड इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट को बना को मिलाकर जो आप इवेंट बनाएंगे वो हमारा क्या होगा, कंपाउंड इवेंट। इवेंट्स आप लिखना चाहे तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इवेंट्स ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्री इवेंट इज आर कंपाउंड इवेंट्स।
आर कंपाउंड इवेंट्स। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट को मिलाकर जो इवेंट बनेगा वो हमारा क्या होगा, कंपाउंड इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक डाइस को आपने थ्रोन किया तो नंबर उसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ए मैंने कह दिया गेटिंग एन ऑड नंबर, ए मैंने क्या कहा गेटिंग एन ऑड नंबर इन थ्रोइंग ऑफ ए डाइस। तो ए में हमारे क्या आएंगे ऑड नंबर, 1, 3, 5। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या थे हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे क्या थे एलिमेंट्री इवेंट, और उनको दो या दो से ज़्यादा को मिला दिया हमने, किसको मिला दिया 1, 3 और 5 को, तो ये हमारा क्या है कंपाउंड इवेंट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा वो है हमारा फोर्थ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। डेफिनेशन सारी आपकी बुक में दे रखी है उसने। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं, टू इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ ऑल अदर्स। यानी कि वो दो इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, अगर उनमें से एक हैपन हो गया तो दूसरा उसी टाइम हैपन नहीं हो सकता। इफ नो टू और मोर ऑफ देम कैन अकर साइमल्टेनियसली इन द सेम ट्रायल। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, इफ नो टू और मोर ऑफ देम अकर साइमल्टेनियसली इन द सेम ट्रायल, कि सेम ट्रायल में वो कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते। दो या दो से ज़्यादा इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे अगर वो सेम ट्रायल में इकट्ठे नहीं आ सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा एक सैंपल स्पेस, हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, एक सिक्के को फेंका तो सैंपल स्पेस क्या आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें मैंने ए कह दिया गेटिंग एन इवन नंबर, ए इवेंट को मैंने क्या नाम दे दिया गेटिंग एन इवन नंबर। तो अगर आप ए का सैंपल स्पेस बनाएंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनाए ए का, 2, 4, 6। बी मैंने कह दिया गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो अगर आप बी का सैंपल स्पेस बनाएंगे तो वो क्या आ गया हमारे पास, 1, 3, 5। और सी मैंने कह दिया गेटिंग एन मल्टीपल ऑफ 3, गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3। तो सी के इवेंट हमारे क्या आए, 3 और 6। तो हमने क्या देखा, हमने क्या कहा था कि वो दो या दो से ज़्यादा इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएंगे अगर उनमें वो दोनों साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते, मतलब उन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो वो क्या है 5। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है 5। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ए और बी कैसे हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। सो ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। 6 सी में भी आया है और 6 हमारा ए में भी आया है। तो ये हमारा क्या है हमारे पास, ए और सी हमारे म्यूचुअली, ए और सी जो है हमारे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। बी और सी देखें तो बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये भी हमारे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होंगे जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, अगर सिंगल चीज़ भी अगर उनके उनके सैंपल स्पेस में कॉमन आ गई तो वो दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट आता है इसी से इम्पोर्टेंट मिलता जुलता है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट वो सारे इवेंट जो मिलकर क्या बना दे आपका सैंपल स्पेस, वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। टू और मोर इवेंट आर एग्जॉस्टिव, टू और मोर इवेंट आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ देयर यूनियन इज द सैंपल स्पेस। इफ देयर यूनियन, यूनियन आपको पता है कैसे करते हैं, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इफ देयर यूनियन इज द सैंपल स्पेस, जैसे हम ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए सैंपल स्पेस हमारा क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए क्या था गेटिंग एन इवन नंबर, बी क्या था गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ए और बी की यूनियन की मैंने,
ए और बी की यूनियन करी तो वो क्या बन गई, 1 2 3 4 5 6, वो वापस क्या आ गया हमारा सैंपल स्पेस एस। तो हेयर ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट। अब आता है 6 नंबर पर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, मतलब जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन भी नहीं है, और वो मिला के क्या बना रहे हैं, सैंपल स्पेस। तो यही हमारा एग्जांपल है, ए और बी गेटिंग एन इवन नंबर गेटिंग एन ओड नंबर, दोनों क्या है आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है, क्यों भी, क्योंकि दोनों में से कोई भी दोनों सेम टाइम पर अक्रेंस पॉसिबल दोनों की नहीं है। और एग्जॉस्टिव क्यों है, क्योंकि दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सैंपल स्पेस। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा सैंपल स्पेस एक सिक्के को फेंका तो रिजल्ट क्या आया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मैंने कह दिया, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट मैंने कह दिया, ए इवेंट तो मैंने कह दिया गेटिंग ए गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। तो ए का अगर हम सैंपल स्पेस बनाएं तो क्या आया, 3 4 5 6। और बी मैंने कह दिया गेटिंग ए नंबर लेस देन 3 ग्रेटर देन 3, तो 3 इसमें इंक्लूड होगा नहीं। अब इसमें हम कहेंगे गेटिंग ए नंबर लेस देन 4। तो लेस देन 4 अगर बी का मैं सैंपल स्पेस बनाऊं तो 4 से लेस कितने आ गए हमारे पास, 1 2 3, और 3 से ग्रेटर कितने आ गए हमारे पास, 4 5 6। तो ए और बी में ना तो कोई चीज़ कॉमन है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सैंपल स्पेस। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, एस, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, 5। हेयर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। आगे आपका और क्लियर हो जाएगा, जैसे अब हम ताश के पत्तों के बारे में बात करेंगे, फिर वहाँ पर देखेंगे कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं और कौन से एग्जॉस्टिव इवेंट हैं, और कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। पहले प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्लेइंग कार्ड्स, टोटल कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स आपके पास 52। सूट होते हैं इसमें 4, जिनको हम सूट बोलते हैं, कौन कौन से, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। ये हार्ट भी रेड कलर का होता है, डायमंड भी रेड कलर का होता है, क्लब ब्लैक कलर का होता है, स्पेड भी कितना होता है, ब्लैक कलर का। तो टोटल सूट कितने हो गए, 4। अगर इसमें मैं बात करूँ रेड कार्ड्स की, तो रेड कार्ड्स कितने होंगे, 26। ब्लैक कार्ड्स भी कितने होंगे, 26। एस मतलब इक्का, जिसको आप इक्का बोलते हैं अपनी स्थानीय भाषा में, इक्का, वो कितने होते हैं, 4। और फेस कार्ड, जिन पे फेस बना हुआ होता है, फेस कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, 4 किंग प्लस 4 क्वीन प्लस 4 जैक। यहाँ पर जो गुलाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैक। तो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12। तो स्पेड के भी कितने होते हैं, 13। क्लब के भी 13, डायमंड के भी 13 और हार्ट के भी 13। तो आपको इंग्लिश में नाम पता होने चाहिए, सूट होते हैं 4, स्पेड, क्लब, डायमंड, हर्ट, हर एक के कितने कितने कार्ड्स होते हैं आपके पास, 13, जिसमें से डायमंड और हर्ट क्या होते हैं, रेड, स्पेड और क्लब कैसे होते हैं, ब्लैक। तो टोटल रेड कार्ड्स 26, टोटल ब्लैक कार्ड्स 26, एस 4, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, और टोटल फेस कार्ड आपके पास कितने होते हैं, 12। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं। ए इवेंट मैंने कह दिया गेटिंग ए किंग। जब आप सूट में से एक पत्ता निकालो तो आपको क्या मिले, किंग। और बी इवेंट मैंने कह दिया गेटिंग ए क्वीन। जब एक ही पत्ता आप निकाल रहे हो तो एक ही पत्ता ना तो आपका किंग हो सकता है, और ना आपका एक ही सेम ही टाइम पर वो ना किंग और क्वीन नहीं हो सकता। तो हेयर हमने क्या देखा, हेयर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आया, 5। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दो इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, दो या दो से ज़्यादा इवेंट हमारे क्या हो सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, ए मैंने कहा गेटिंग ए स्पेड कार्ड, बी मैंने कहा गेटिंग ए क्लब,
सी मैंने कहा गेटिंग ए डायमंड, और डी मैंने कहा गेटिंग ए हर्ट। अब जब ए की पत्ता आप निकाल रहे हो तो ए बी सी डी हमारे साइमल्टेनियसली अक्रेंस इनकी पॉसिबल नहीं है। या तो पत्ता स्पेड का ही निकलेगा, वो एक जो पत्ता आप निकाले हो या तो स्पेड का होगा या क्लब का या डायमंड का या हर्ट का। तो हमने क्या देखा, हेयर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 5। तो चारों आपस में क्या हो गए, हेयर ए बी सी डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और ए और बी भी आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सी और डी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और डी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम देखते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए मैंने कहा गेटिंग ए स्पेड और बी मैंने कहा गेटिंग ए किंग। हेयर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि जो आप एक पत्ता निकाल रहे हो वो स्पेड भी हो सकता है और किंग भी हो सकता है। तो हेयर ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहाँ पर ए और बी हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। अभी नहीं, मैं एग्जॉस्टिव की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने क्या देखा, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी इज इक्वल टू क्या बन गया, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब ऑल 52 कार्ड्स, 13 कार्ड इसके, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके। तो यहाँ पर ए बी सी डी आपके क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, क्योंकि वो मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस आपका क्या होगा, प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं, 52। तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने कार्ड्स आपके आएंगे, 52 कार्ड्स। तो इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस Describe the following event. एक पेयर ऑफ डाइस में फॉलोइंग इवेंट को डिस्क्राइब करो। ए इवेंट तो आपने डिस्क्राइब करना है, द सम इज ग्रेटर देन एट। बी आपने करना है टू अकर्स ऑन आइदर डाई। और सी इवेंट आपने डिस्क्राइब करना है द सम इज एट लीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ थ्री। एंड और में बहुत अंतर हो जाता है। अगर और है तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, एंड है तो आपका जो यहाँ पर जो सी इवेंट हम लेंगे कैसा लेंगे, जिसका सम 7 से छोटा हो और साथ ही साथ वो क्या हो, 3 का मल्टीपल। और फिर वो कह रहा है आल्सो फाइंड, यहाँ पर आप फाइंड करना है, करने के लिए कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी। फिर इसी में पूछ रहा है वो फर्स्ट, आर ए इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरा पार्ट इसमें पूछ रहा है बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और तीसरे पार्ट में पूछ रहा है ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो टोटल क्वेश्चन ये है कि आपने एक डाइस को फेंका है, पेयर ऑफ डाइस को, तो हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस। जब तक आपको सैंपल स्पेस बनाना नहीं आता, आप किसी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हम कह देंगे द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है हमने, थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस इज एज। तो क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस, मैंने बता रखा है, तो 1-1 से लेके 1-6 अप टू सो ऑन 6-1 से लेके 6-6, ये हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। टोटल इवेंट इसमें कितने आएंगे, 36 एलिमेंट्री इवेंट कितने होंगे इसमें, ये 36। अब ए था हमारा सम इज ग्रेटर देन
तो सम हमारा क्या होना चाहिए, 8 से बड़ा। अब आप देखेंगे जब भी डाइस में आपके पास नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो मिनिमम सम कितना आ सकता है आपका 1 और 1। जब फर्स्ट डाइस भी 1 दिखाए और सेकंड डाइस भी क्या दिखाए 1, तो मिनिमम सम कितना आएगा, सम ऑफ डाइस के में जो नंबर आए हैं उनका सम मिनिमम होता है 2 और मैक्सिमम होता है 12। तो ग्रेटर देन 8 का मतलब है या तो सम 9 हो या 10 हो या 11 हो या 12। अब सम की बात आती है तो बेटा फिर देखें, अब 1 के साथ अगर आपको, अब हमें पता है डाइस में सिर्फ नंबर क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बार मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ कि आप सम के जब भी क्वेश्चन आए डाइस में तो कैसे करोगे। देख लीजिए, ये हमारे पास है सम, या तो 2 हो सकता है या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 या 11 या 12, ठीक है। और ये हमारे पास फेवरेबल इवेंट हो जाएंगे। जब सम 2 होगा तो कब होगा, जब फर्स्ट डाइस भी 1 शो करेगी और सेकंड डाइस भी क्या शो करेगी 1। जब सम 3 होगा तो 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 के साथ आपको सम 3 सम करने के लिए क्या चाहिए 2, फिर इस 1 के बाद अगला नंबर किसका आता है 2 का, तो 2 के साथ क्या चाहिए 1। तो फेवरेबल इवेंट कितने होंगे 1, 2 एंड 2, 1। 4 के साथ 1 और 3, 4, 2 और 2, 4, 3 और 1, 4, 5 के साथ 1 और 4, 5, 2 और 3, 5, 3 और 2, 5, 4 एंड 1, 5, 6 के साथ 1 और 5, 6, नेक्स्ट क्या आएगा 2 और 4, 6, 3 और 3, 6, 4 और 2, 6, 5 एंड 1, 6। एक एक नंबर को बढ़ाते जाइए, अगला नंबर आपको खुद पता चल जाएगा। 7 सम चाहिए, 1 और 6, 7, 1 के बाद 2, 2 और 5, 7, 3 और 4, 7, 3 के बाद 4, 4 और 3, 7, 4 के बाद 5, 5 और 2, 7, 6 के बाद 5 के बाद 6, 6 और 1, 7। जब हम 8 पर आए तो 1 के साथ अगर हमें सम 8 चाहिए तो हमें नंबर चाहिए 7, लेकिन हमारे पास होते कितने हैं सिर्फ डाइस में 6, तो 1 के साथ तो पेयर बनेगा नहीं, पेयर किसके साथ बनेगा 2 और 6, 8, फिर अगला 2 के बाद 3, 3 और 5, 8, 3 के बाद 4, 4 और 4, 8, 4 के बाद 5, 5 और 3, 8, 5 के बाद 6, 6 और 2, 8। तो हम ये फेवरेबल इवेंट इस तरह से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 9 में अब 2 के साथ 7 तो बनेगा नहीं, तो 3 और 6, 9, 3 के बाद 4, 4 और 5, 9, 4 के बाद 5, 5 और 4, 9, 5 के बाद 6, 6 और 3, 9। 10, अब 3 के साथ तो 7 मिलेगा, जब 10 होगा, 7 हमारा नंबर होता नहीं, तो 4 और 6, 10, 5 और 5, 10, 6 और 4, 10, 11, 5 और 6, 11, 6 और 5, 11, और 12, 6 एंड 6। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, फेवरेबल केसेस। जैसे उस क्वेश्चन को करने से पहले इसी में कर लेते हैं, ए डाइस इज, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर अपीयर्ड ऑन डाई इज 7। तो हमने देखना है फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऊपर आते हैं, हमें पता है किसी भी प्रोबेबिलिटी की का फार्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमें सम कितना चाहिए था 8, 8 का 8 सम ग्रेटर देन 8 तो 9, तो 3 और 6, 9, 4 और 5, 9, 5 और 4, 9, और फिर 6 और 3, 9। फिर हमें सम चाहिए था 10, 4 और 6, 10, 6 और 4, 10, फिर हमें चाहिए था 11, 5 और 6, 11, और 5 और 5 भी रह गया, 4, 6 और 5 और 5 क्या होगा आपका 11, फिर 5 और 6, 11, 6 और 5, 11, और लास्ट हो जाएगा 6 और 6 क्या हो जाएगा हमारा 12। अब बी इवेंट क्या था, 2 occurs ऑन आइदर डाई, 2 occurs ऑन आइदर डाई, कि किसी भी डाइस में 2 आ जाए, चाहे दोनों में आ जाए, उसने ये नहीं कहा, किसी भी डाइस में 2 आ जाए। तो बी का अगर हम सैंपल स्पेस बनाएं तो हम पहले 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 लाइन में देखेंगे, एक तो आया 1, 2, 1, 2 आया हमारा, नेक्स्ट क्या आया हमारे पास 2, 1, फिर आया 2, 2, फिर आया 2, 3, फिर आया 2, 4, फिर आया 2, 5, और नेक्स्ट आया 2, 6। जब हम 3, 1, 3, 2 में चले तो 3, 2, फिर 4, 1, 4, 2 में 4, 2, फिर मिलेगा मुझे 5, 2, और फिर मिलेगा मुझे 6, 2। तो ये हमारा आ गया बी का सैम्पल स्पेस। अब सी हमारा क्या था बेटा, सी था हमारा द सम इज एट लीस्ट 7 और एंड ए मल्टीपल ऑफ 3, द सम इज एट लीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। अगर यहाँ पर और होता तो हम वो भी लेते जिनका सम 7 है और वो भी लेते जो क्या है 3 के मल्टीपल, लेकिन एंड आ गया है तो यहाँ पर हम वही लेंगे जो 7, जिनका सम 7 से कम तो है ही है
इज एट नहीं, कम से कम सेवन तो सम उनका है, या यानी कि उनका सम या तो सेवन है या एट है या नाइन है या टेन है या ट्वेल्व है, और साथ ही साथ वो थ्री के क्या है मल्टीपल, दैट इज द सम इज नाइन और ट्वेल्व। दैट इज उनका सम कितना होना चाहिए, या तो नाइन होना चाहिए या ट्वेल्व। सात से बड़ा सम क्या आएगा, आठ नौ दस ग्यारह और बारह, उसमें से थ्री का मल्टीपल कितने होंगे, नाइन और ट्वेल्व। तो सी का स्मेल सैंपल स्पेस क्या आया, थ्री और सिक्स नाइन, फोर और फाइव नाइन, फाइव और फोर नाइन, सिक्स और थ्री नाइन, और सिक्स और सिक्स आपका क्या आ गया, ट्वेल्व। अब फर्स्ट हम निकालते हैं, हम निकालेंगे पहले ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए क्या ए और बी में कोई चीज़ कॉमन है, ए क्या था सम इज़ ग्रेटर देन एट, बी क्या था टू अकर्स ऑन आइदर डाई, क्या इसमें कहीं टू आया है, लेकिन इनमें सबसे कम से कम एक बार टू आया है, इनमें कोई भी चीज़ मैच नहीं करती। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, फाइव। तो साथ ही साथ हम आंसर अगला भी दे देते हैं, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ए और बी यहाँ पर कैसे हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट वन इज बी इंटरसेक्शन सी। बी में हमारे क्या है, वन टू टू, वन टू टू आप मैच कर लीजिए, और इसमें ये है, इनमें भी कोई वैल्यू मैच नहीं करती। तो बी इंटरसेक्शन बी भी क्या आया, सी भी क्या आया, फाइव। सो बी एंड सी, सो बी एंड सी आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लेकिन जब ए इंटरसेक्शन सी निकालने लगे, ए इंटरसेक्शन सी, अब देखिए थ्री सिक्स इसमें भी है, थ्री सिक्स इसमें भी है, ये आ गया आप देख सकते हैं, तो इज नॉट इक्वल टू फाइव। ए इंटरसेक्शन सी आप इजली निकाल सकते हो, ए और सी में जो मैच कर रहे हैं वो इनके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। सो ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो आज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। कल हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।